बनते ना बनते खड़ा। तो फिलहाल हमारे घर के लिए जो है अल्बेस्टर आ गया है, यानी ऊपर वाला जो रूम बनेगा, तो हम सोचते कि अपना सेटअप यहीं पे बना ले और यहीं पे अपना वीडियो वीडियो शूट करे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा से उड़ी चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों आज का प्यारा ब्लॉग को अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जस्ट मैं बढ़िया से नहा के बढ़िया तरीके से फ्रेश हो चुका हूँ। आज जो है पुराने अंदाज में फिर से हम ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं, चाय वगैरह बन रहा है, वैसे बता ही दिया। तो अभी का सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि आज जो है गर्मा गर्म चाय बना जा रहा है मम्मी और पापा जी के लिए, वो भी बहुत दिन के बाद। हेलो 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 इसे बोलो हेलो। आज काफी दिन बाद, यानी कह सकते हो 3 से 4 मंथ बाद जो है मम्मी पापा को आज ब्लॉग में ऑन कैमरा चाय दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, लीजिए पापा। मॉर्निंग बोल, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों के लिए हम ऊपर वाला से दुआ करते हैं जो आप लोग स्वस्थ रहे, भाई की आप आगे बढ़ाते रहिए, आप सब भी आगे बढ़िए। बिल्कुल, हमें आशीर्वाद दे दीजिए, और आप भी पापा। तो भाई काफी दिन बाद जो है मम्मी पापा को चाय देने के बाद जो है एकदम मन जो है रिफ्रेश सा हो रहा है ब्लॉग में, ताकि आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगे ये सब। अच्छा, हमारे लिए मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ कर्ज वगैरह थे उसके पैसे देने के लिए। तो फिलहाल अभी चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद हमें ब्लॉग भी एडिटिंग करना है। ब्लॉग का सीन कुछ ऐसा है, जो ऊपर वाला रूम बनना था ना उसका करकट बोलते हैं ना, तो वो अभी जस्ट पापा लेकर के आए, तो वो भी दिखाते हैं। आज हमारे लिए खुशखबरी का दिन है कि थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है और थोड़े बहुत कर्ज भी जो है चुप। देखिए किस तरीके से पापा लेकर के आए ठेला पे लदवा करके। क्या होगा पापा इसमें? छह होगा। ना ना कोई बात नहीं, यार लेकिन यहाँ पर अब बच्चा सही फोड़ देते ना, दिक्कत हो जाती है। लड़का से ना खेले वही से ना दिक्कत हो जाती है। बनते ना। ना ना गिरा कर नहीं रखेगी, टूट जाते प्रेशर पड़ गया। मम्मी इसका पैसा 600 रुपये वो पीस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ऊपर में तब तक टेम्प्रोरी घर के लिए काम आ जाएगा, ये एक बेकार नहीं जाता है, कभी ना कभी काम आ ही जाता है। तो फिलहाल हमारे घर के लिए जो है अल्बेस्टर आ गया है, यानी ऊपर वाला जो रूम बनेगा उसके लिए कोई तो काम हो रहा है। अभी हमें जो है फर्स्ट अभी टाइम हो रहा है करीब 11 बजने वाला है, तो हमें ब्लॉग को अपलोड भी करना है, लेट नहीं होना है, मिस नहीं करना है, नहीं तो 12-1 बज जाएगा तो हम अपलोड नहीं कर पाएंगे अच्छे से, इसलिए अपलोड कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस जस्ट अभी हमने ब्लॉग को अपलोड कर दिया अच्छे तरीके से, थंबनेल वगैरह सारा कुछ लगा दिए हैं, और पापा जी यहाँ पंखा बनाने में लगे हैं, मम्मी वहाँ पे बैठी हुई है, सुहानी इधर अपना नौटंकी कर रही है, क्योंकि इसको सुई दिलवाने के लिए बोल रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे। आप लोग कमेंट करके बताइए, इसको समझाइए, ताकि ये कमेंट करे ताकि सुई दिलवाए, नहीं तो लंगड़ी हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा, सुहानी के लंगड़ा दुल्हा खोजेंगे हम। तो गाइस मजाक मस्ती होता रहता है, तो फिलहाल अभी खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद सुहानी को ले चलते हैं अभी जो है हम सुई दिलवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास। चलना होगा, मुंह मत दिखाओ दवा खाने के लिए। रात भर जो है मम्मी का तबीयत सही नहीं रहा, पेट दर्द होते रहे, खूब फोन किए तो हम सो रहे थे उस टाइम, तो अपना आइए तो फिक्स वगैरह लगाइए, बैठी हुई थी तब जाके हम इंट्रो वगैरह शूट किए, फिर उसके बाद कर्ज वाले को थोड़ा बहुत जो पैसा था सूद का वो दे दी, फिर उसी में से जो बचा करके जो अल्बेस्टर होता है वो लेकर के आई कि चलो यहाँ लगवा देंगे। आप इसलिए हम लगवाना चाह रहे हैं क्योंकि देखो भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है, और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगल बगल में वीडियो शूट करते हैं ना, यहाँ वहाँ पर देखो इधर भी वीडियो शूट करते हैं, तो गांव के कुछ छोटे छोटे बच्चे वो हल्ला करने लगते हैं, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि अपना सेटअप यहीं पे बना ले और यहीं पे अपना वीडियो वीडियो शूट करें। तो टेम्प्रोरी अभी देखो दीवार वेल बनवाने में तो पैसा लग सकता है, इस वजह से पापा बोले हैं ना कि अपना यही सब लगा कर अभी काम चलाओ, और जब तक ऊपर एल्बेस्टर लगवा देंगे तब तक इसी के अंदर अपना शॉर्ट वीडियो अपना जो भी वीडियो होगा ब्लॉग का वो शूट करेंगे। बस अभी खाने में निकल चुका है रोटी सब्जी, और मम्मी जो ये खस्ता बना हुआ रहता है, आप लोग के यहाँ क्या होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि जस्ट अभी मम्मी गए हैं नीचे आराम करने के लिए, पापा फिलहाल अभी पंखा बनाने में यहाँ लगे हुए साफ सफाई कर रहे हैं। पापा खाना खा लिए आप? तो पापा सवेरे खाना खा लिए थे, क्योंकि पापा को काम पड़ता है सवेरे सवेरे, तो जरूरी है खाली पेट रहना भी ठीक नहीं रहता। तो फिलहाल आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। खाना वाना खा लिए बड़े तरीके से, और पापा जी ये तार हटाने में लगे हुए हैं, ये सारा तार हट जाएगा तो ऊपर जो है ना एक रूम बनेगा कमरा, जैसा कि अभी आप लोग को बताएं, तो ये भी हटाएंगे। पापा अब रहने दीजिए, धूप है ना, थोड़ा देर बाद काम कर दीजिएगा। जस्ट अभी सो ही रहे थे, तो व्हाइट वाला शर्ट जो है सुहानी को दे दिए धुलने के लिए, और सो इसलिए रहे थे, सो भी नहीं रहे थे, व्लॉग को एडिटिंग कर रहे थे, और इस हमें यहाँ पे शूट करना था, तो प्लान कर रहे थे कि कैसे कैसे एक्ट करना है, कैसे वीडियो को यहाँ पे रिस्क को शूट करना है, वो सब चीज़ें। तो काफ़ी दूर से दो भैया फिर से मिलने के लिए आए हुए, तो जैसे लेट हुए तो पापा आए कि भाई ढकढक किए काम करके, बोले दो भैया मिल लीजिए, तो जाते हैं आराम से मिलते हैं, उसके बाद जो सारा काम करते हैं। जैसे आप लोग को पता है कि जैसे कि जो भी लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, जो भी भैया लोग, मैं कितना ज़्यादा प्यार से मिलता
करता हूँ, आदर करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मैं कुछ अभी आए हैं तो दो भैया आए थे मिलने के लिए। आपका नाम भैया? विकास। आपका? विक्की। कहाँ, एड्रेस कहाँ है आपका? मेरा घर है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। और अभी आए हैं राजा समस्तीपुर से। कितना देर, 2 घंटा लगता है समस्तीपुर से? आपको 2 घंटा लगा? 2 घंटा लगा है ना। रात भर वहीं पे रुके थे? रात भर वहीं पे लॉज लिए थे समस्तीपुर में स्टेशन के पास में। चलिए, लेट हो गया था इसलिए। और आज सुबह निकले हैं तो अभी आए हैं आपसे मिलने के लिए। और मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में हम खुद दूसरे लोगों से मिलने जाते हैं, है ना। तो हम भी कहीं जाते हैं तो कोई लॉज वगैरह होटल वोटल लेकर के वहीं रुक जाते हैं। क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से तो सबका टाइम होगा नहीं, वो बंदा क्या कर रहा होगा नहीं होगा, तो उसके हिसाब से जाना पड़ता है। समस्तीपुर से आइए, बैठिए बैठिए आइए। वहाँ खड़ा थे जिस पूछे तब आए। अच्छा, कन्फ्यूजन होने था गाँव में घर है। चलिए आइए बैठिए बैठिए। जस्ट अभी 3 भैया आए हुए थे, पहले तो 2 भैया आए, फिर अचानक से 1 भैया आए तो मिले। और भाई साहब यकीन नहीं मानोगे, हम लोग 11-12 बजे यहाँ बैठे हैं, 3 बजने वाला यानी हमारा वीडियो अपलोड का टाइम हो गया। बात करते करते पता नहीं कब टाइम बीत जाता है। थोड़ा टाइम दे दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो चलो कोई बात नहीं, काफ़ी दूर से देखते हैं, पसंद करते हैं, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मम्मी भी बोल रही थी कि कब ख़त्म करोगे तुम लोग बात। तो अभी जस्ट जो है भैया लोग चले गए। यहाँ पे है सुहानी, खाली खाने पीने वाली पिटकरी। और ज़रूरी है गाइस, क्योंकि इतने दूर दूर से लोग आते हैं मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी राजस्थान से तो कभी आसाम से, जिस जगह पे हम घूमने के लिए जाते हैं वहाँ वहाँ से लोग आते हैं। तो आप ही लोग सोचिए कितना प्यार है लोगों से। और सीन कुछ ऐसा है, जो पापा जी पंखा जो यहाँ से टूटा वाला हटाए थे उसको फिर से जोड़ रहे हैं, देखिए। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है, हमसे तो हो ही नहीं पाता, तो पापा खुद अकेले ऊपर जा कर के काम कर रहे हैं। ये रख दिए थे हम लोग पंखा, क्योंकि ये पंखा से ना डर लग रहा था, इतना भयानक गिरा हुआ था ना, क्या ही बताएं। तो पापा इसमें जुगाड़ लगा दिए, देखिए ये काम कर पाता है कि नहीं। लीजिए पापा, ताकि पंखा लग जाएगा तो मम्मी को थोड़ा गर्मी से राहत हो जाएगा, क्योंकि गर्मी वाला बहुत दिक्कत हुई, दर्द हुआ लगे हाथ ऊपर में। गाइस बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। दिखने में आप लोगों को लगता होगा ना कि ये चलो यहाँ पे छोटा सा जगह लगा देंगे, ऐसे हाथ किए कि एकदम दर्द होने लगता है। और पापा नीचे काम भी कर रहे हो, यहाँ पे एक बांस लगा दिए ताकि जो अल्वेस्टर जो लेकर के आए हैं ये सारा कुछ यहाँ से यहाँ पूरा कवर हो जाए, ताकि बढ़िया से पूरा घर जो अच्छा। और कमरे के अंदर 3 से 4 घंटे के बाद हम आए हैं यहाँ पे, क्योंकि भैया लोग टाइम ही नहीं दे रहे थे हमको, इतना ज़्यादा बातचीत होने लगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा, हम सोचे थोड़ा देर आराम करेंगे फिर ब्लॉग करेंगे, तो एक और भैया नीचे आए हुए हैं फिर उनसे ही मिल लेते हैं। भाई अभी का सीन कुछ ऐसा, आप लोगों को पता है कि 2 भैया 3 भैया से और मिले हैं। कहाँ से आए आप दोनों? औरंगाबाद। बिहार। औरंगाबाद कहाँ पड़ जाता है? झारखंड का बॉर्डर और बिहार का बॉर्डर। अच्छा, दोनों के दोनों ब्लॉगर है। आज तो पूरा दिन जो है हमारे सब्सक्राइबर हमारे भैया लोग से मिलने में ही निकल गया। पापा जी अभी तक काम में लगे हुए हैं ऊपर में, ताकि यहाँ पे अल्वेस्टर वगैरह बढ़िया से लग जाए। और सुहानी परेशान हो जाती है पानी भर भर के ना। सुहानी दिन भर भैया लोग आते हैं, सुहानी को बर्तन धुलना, फिर पानी भर के लाना, सबके लिए नाश्ता करवाना, परेशान होना जाती है ना होती है। सुहानी बहन को देखिए बहुत ही ज्यादा हार्ड स्ट्रगल करती है, और नीचे तक जो है ये झाड़ू लगाते हुए आई सुहानी। हाँ सुहानी बहुत मेहनत करती है। अरे हम अकेले मार्केट में, मम्मी बोली सब्जी लेकर के आना, उधर से दाढ़ी वाड़ी बनवा लेते हैं। आज तो पूरा दिन भैया लोगों से मिलने में ही टाइम व्यस्त होगा, क्योंकि बात करना, उनसे एक्सपीरियंस लेना, ये भी बहुत जरूरी होता है। क्यों नहीं, क्योंकि नए नए लोगों से मिलना है बहुत जरूरी। कितना बार पहले पहुँच चुके दुकान पे, दुकान बिल्कुल सुनसान था। अभी हेयर कटिंग कटाते हैं फिर चलते हैं सीधे पत्थरघाट। जस्ट अभी हेयर कटिंग कटवा चुके हैं, अब सीधे चलना है मार्केट, सब्जी वगैरह लेकर के चलना है, और पूरा शरीर जो है ना एकदम दर्द हो रहा है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मार्केट। तो गाइस जस्ट अभी घर पहुंचे हैं, और सब्जी को पता किस तरीके से रख के आए, देखिए डिक्की में ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। और ये दो जो कील दिख रहा है नट वाला, इससे जो पन्निया वगैरह फट जाती है सब्जी में भी दाग लग सकता है। जस्ट अभी नहावा लिए बड़े तरीके से, और मम्मी का 10 रुपया जो है बाकी था, क्योंकि बाल कटवाने के बाद उसे छोटा छोटा बाल रह जाए, पूरे शरीर में गर्मी लगता है आँख वक्त में, तो मम्मी को हिसाब देना पड़ेगा। मम्मी को हिसाब देना पड़ेगा ना मेरी जान। मेरी जान। जरूरी है, जरूरी है। मम्मी 100 रुपया दी, जिसमें से 50 रुपया का बाल कटवाए, 40 रुपया का सब्जी लेकर के आए, मम्मी को 10 रुपया दे दिए, हिसाब बराबर बराबर।
इधर पापा बैठे हुए हैं। अभी हम दोनों का काम क्या है, हमारे पापा मिलकर के इस पे जो ईंटा रखा हुआ है सब उतारना है ताकि यहाँ इस एल्वेस्टर पे लगाया जाए, है ना। बाकी अभी थोड़ा भुजा बनाई हुई सुहानी, मम्मी उम्मी खाई है कि नहीं खाई है देखे जरा। अरे वाह, आप खाए मम्मी, खा लिया पापा, आप खा लिए भुजा। चलिए मेरा बारी है भाई। आपकी प्यारी बहन सुहानी जो है अभी सब्जी काट रही है, सब्जी में बनेगा परवल का सब्जी। सिर्फ परवल का ही बनेगा, भुजिया बनेगा। चलो ठीक है, अभी रात के बज रहे 10। अभी खाना वाना बढ़िया तरीके से बन गया, सब लोग खा करके चले गए और आपके भाई ने अभी तक भी खाना नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि आज जो काफ़ी सारे भैया हमसे मिलने के लिए आए थे इस वजह से जो हम रील्स नहीं बना पाए और 2 ही रील्स इंस्टाग्राम पर अपलोड कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पर हमारे 1 लाख का फैमिली होने वाला है। तो मेरा क्या जिम्मेवारी है कि हमें मेहनत से काम करना है। तो अभी का सीन आप लोग को दिखाते हैं कि इस तरीके से सामान बिखरा पड़ा है और हमें सेटअप करना है, यानी 10 बजे रात में। सोच सकते हो आप लोग 10 बजे रात में, मतलब इतनी खुमार चढ़ी है कि भैया हाँ रील्स बनाना है तो बनाना है, मेहनत करनी है तो करनी है। देखिए यहाँ पे हमारी लाइट लगी हुई है, यहाँ पे हमारा प्यारा सा माइक, और देख सकते हो खाना हमारा यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ भी देखो खाना निकाल करके रख दिया गया है जो अभी तक हम खाए नहीं है। और नीचे का आप लोगों को दिखा दे कुछ सेटअप तो हमारा, देखते ही हो माइक यहाँ पे लगा दिए हैं, यहाँ पे भी खाना रखा हुआ है, यहाँ पे दूध भी गर्म करके रख दिया गया है ताकि हम पी लेंगे। और ये हमारा किचन रूम जो हमारा सेटअप होता है रात की, तो रात भर मेहनत करेंगे अभी और करीब 6 से 7 रील शूट करेंगे अभी, इमोशनली कॉमेडी कुछ इस तरीके से और इस माइक पे, क्योंकि मुझे माइक पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है रील्स को शूट करना। अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन जा करके फॉलो कर लो। और रात भर मेहनत चलती रहती है, और सच बताऊँ तो आप लोग इतना कूल देखते हो, मम्मी पापा को पैसा देते हैं, मैं उतना ज़्यादा कूल नहीं रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी टेंशन रहती है ब्लॉग को लेकर के, वीडियोस को लेकर के, क्योंकि मुझे सारा कुछ अकेले करना पड़ता है, ना हमारा कोई टीम है ना कोई देख रेख है। हाँ चैनल मैनेजमेंट जरूर होता है हमारा, बट वो भी हमारे टीम के मेंबर्स नहीं है, बस चैनल मैनेजमेंट करते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं। तो फिलहाल रील्स वगैरह शूट करेंगे, फिर अभी खाना वाना खाएंगे, कम से कम रील्स शूट करते करते रात के बज जाएंगे, तो फिर 3 से 4 बजे 5 बजे तक फिर से सोएंगे और 4-5 बजे तक सोते रहेंगे, फिर 6 बजे उठ जाएंगे, फिर से अपना दिन भर में ब्लॉग करते रहेंगे, ऐसा हो जाता है। नहीं तो फिर कोई भैया आ जाएंगे तो बस मिलते रहेंगे, टाइम पास हो जाएगा और इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस नहीं बच पाएगा, तो इसलिए रात में स्टॉक में वीडियो शूट कर लेंगे, दिन में अपना अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए सीधे मिलते हैं ब्लॉग को भी इन कर। आई होप दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे। अपने माता पिता का ख्याल रखिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और गए चैनल पे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बगल में इंस्टाग्राम का डी जाकर के फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरा इंडिया से पूरा वर्ल्ड से देख रहे हैं तो और ज़्यादा आगे बढ़ाते रहिए। कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, रेड बटन दबा दीजिए, तभी तो सपोर्ट मिलेगा, तभी तो हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तभी तो ब्लॉगिंग के करियर में अपना नाम कर सकेंगे। तो जाइए, अपना ख्याल रखने, अपने माता पिता